हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज। आज एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। कैसा रहा एग्ज़ाम? इन लोगों से आते हैं, कितने अटेम्प्ट किया आपने? 90। आपने? 75। आपने? 95। अच्छा, करंट अफेयर की बात करें तो किस तरीके के सवाल देखने मिले? करंट अफेयर अभी जनवरी से लेके और अक्टूबर वगैरह के आए थे, अक्टूबर दिसंबर। क्या क्या सवाल थे? वो पूछा था एक तो कि राजकोष ये घाटा कितना रहा अपना, ये वित्तीय वर्ष 2019-20 का था जो। और जीडीपी वगैरह से क्वेश्चन आए थे। क्या सवाल क्या था? कि 2018 और 19 में जीडीपी में जो घाटे में रही है वो कितना परसेंट रहा है। और बस यही था कि नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। एक टॉपिक था चंद्रगुप्त, उसके बारे में पूछने को आया था, उसके मतलब बेटी वगैरह के बारे में उसमें क्वेश्चन थे। जैसे बोरोतलन जो पुरस्कार है उसमें जो ओलंपिक में इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में किसे मेडल मिला था? मेडल मिला स्वर्ण पदक। महात्मा गांधी एक आया था 1933 का, पूना पैक्ट आया था 1931 में, पूना पैक्ट हुआ वो किससे संबंधित था? और में क्या हुआ था ये आया था पूना पैक्ट में, जो 1931 में गांधी रोल इरविन, गांधी इरविन सर। कोई योजना परियोजना वगैरह? यस, जो कौशल विकास योजना है उससे संबंधित क्वेश्चन था। दीनदयाल उपाध्याय गरीब छात्र किस योजना के तहत, यानी गरीब छात्रों को किस योजना के तहत लोन मिलता है? रोजगार के लिए बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? जियोग्राफी से आया था, हिमालय की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन आया था, भारी परत। और प्रॉफिट लॉस वगैरह से नॉर्मली क्वेश्चन थे। अच्छा, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से? टिक्नोमेट्री से? टिक्नोमेट्री से भी काफी क्वेश्चन थे। कितने सवाल होंगे करीब? कम से कम 5-6 क्वेश्चन होंगे। क्या पैटर्न किस तरीके का? नॉर्मली था, मतलब वैल्यू वगैरह पूछी गई थी उसमें। हाँ, और क्वेश्चन डायमंड वर्क एंड डायमंड डिस्टेंस की? डायमंड वर्क एक होगा सवाल उससे, याद है किस तरीके? हाँ, जैसे कि एक किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, अगर दोनों एक साथ कर दिए जाए तो कितने दिन में होगा, नॉर्मली क्वेश्चन थे। कोई वो नहीं, बोर्ड मास वगैरह से भी आएगा? हाँ, आई थिंक। कितने सवाल होंगे? एक क्वेश्चन था बोर्ड मास। ज्योमेट्री से 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 से ज्योमेट्री से? हाँ। किस तरीके की पूछे? वैल्यू पुट करने को थी, वैल्यू वगैरह पूछ रहे थे उसमें। एक क्वेश्चन आया था उसमें साइड, वो डायगोनल दे रखे थे और साइड निकालनी थी। मैथ में पाई चार्ट से आए थे, दो सवाल थे और ग्राफ से थे, ट्रिग्नोमेट्री से काफी क्वेश्चन थे। एसआई के चैप्टर से आए थे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड एक क्वेश्चन था, एक सवाल था। ज्योमेट्री से आए थे तो मेरे पास एक दो क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री से थे आया था, इंसुलेशन में रेक्टेंगल से था, उसका पेरीमीटर और वॉल्यूम, पेरीमीटर और एरिया दिया था और उसका डायगोनल निकालना था। डायमीटर पूछा था उसमें, ये आया क्वेश्चन था कि उसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल है 108, हाँ, तो उसका डायमीटर मुझे। साइंस से? साइंस से आया था, बायोलॉजी से ज्यादा आया था, बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आए थे। साइटोलॉजी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सेल से संबंधित है कि और था जो कोशिकाओं का अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी किससे रिलेटेड है? अच्छा अच्छा, प्लांट होते हैं, उसके रंध्र पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रंध्र पाए जाते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं ना, उसे रंध्र बोलते हैं जड़ों में। वो आया था क्वेश्चन। डॉक्टर के लिए आया था, डॉक्टर कार्डियोलॉजी वगैरह होता है और उनका लिंक है तो फिर शिक्षक का किससे लिंक क्या होगा? रीजनिंग में आया था, रीजनिंग में। रीजनिंग संबंधित। अच्छा, रीजनिंग में सवाल किस तरीके के थे? रीजनिंग में सब तरह की थी, जैसे एनालॉजी आई थी, कभी एनालॉजी होती है, एनालॉजी आई थी, 12-15 फिर क्वेश्चन मार्क सीरीज आई थी, 75 आया, कोडिंग डिकोडिंग आई थी। कोडिंग डिकोडिंग सवाल थे? हाँ जी थे। किस तरीके सवाल था? जैसे कोडिंग डिकोडिंग में अगर इसका जैसे ABCD और दे दिया एनालॉग के थ्रू तो उसका इससे क्या रिलेशन है? जैसे 12 से रिलेटेड ये है तो दूसरे नंबर से रिलेटेड क्या होगा? और जैसे 12 और 13 उनका दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों का
दुगना कर रहा था उसका। वेन डायग्राम वगैरह आए थे, वेन डायग्राम वगैरह आए थे जैसे, जैसे दो सवाल आए थे वेन डायग्राम से। एक तो ये था जैसे पुरुष छात्र और भाई का वेन डायग्राम क्या होता है, और एक और था उसमें बनाना था। तो भाई डॉक्टर का कार्ड दी थी, शिक्षा और शिक्षक वगैरह का क्या होगा, तो उनका मतलब मेल देखना था कॉम्बिनेशन उन दोनों का क्या बन रहा है वेन डायग्राम में। ब्लड रिलेशन से भी, ब्लड रिलेशन से एक सवाल आया था। सवाल क्या था यार? ऐसे था एक एक आदमी ने कहा कि रवीना का परिचय कराते हुए वह उसकी रवीना के बेटी की, मेरी बहन के बेटी की नानी है, तो उस पुरुष का रवीना से क्या संबंध है, उसमें माँ था। इंग्लिश में क्या क्या है? पैरा पैराग्राफ वगैरह आया था, एंटोनियम सिनोनियम मिस स्पेल्ड वर्ड, ईडियम फ्रेसेस वगैरह ये सब आए थे। ईडियम था एक गेट गेटिंग आउट हॉट ऐसी इन हॉट वाटर, टू हॉट वाटर था, हां इन हॉट वाटर आया था, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर था। और एक और था, मेक से आया था, मेक बिग टाइम, मेक बिग टाइम था। जो ओवरऑल एग्ज़ाम का पैटर्न की बात करें तो किस तरीके का था? एक मिडिल लेवल का एग्ज़ाम था, लेकिन मैथ जो था थोड़ा कैलकुलेटिव था, मैथ एप्टीट्यूड थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, वैसे तो सही था। और रीजनिंग इंग्लिश नॉर्मल थी, ज़्यादा नॉर्मल थी इंग्लिश। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल SSC CHSL के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तीसरी शिफ्ट में किस तरीके के सवाल आए, हमने स्टूडेंट्स से जाना। तो करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर से जुड़े सवाल देखने को मिले हैं, वहीं इंग्लिश से भी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, नॉर्मल इंग्लिश आई है, वहीं मैथ से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मैचुरेशन हो, प्रॉफिट एंड लॉस, तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।